बहुत डर लग रहा है यार, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तेरे को ना दवाई भिजवा दूंगा किसी फ्रेंड के हाथ में, ठीक है? दवाई मुझे नहीं पता, दवाई की नॉलेज नहीं है मुझे। अरे मैं भिजवा दूंगा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, हम दोनों ना घर पे बता देते हैं। अरे वो पागल वागल है क्या, घर पे क्यों बताना है? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम शादी करेंगे, तो फिर तुमने ये नहीं करना चाहिए था ना। मैं घर वालों की मर्जी से शादी करूंगा पहली बात, और दूसरी बात तुझे दवाई मिल जाएगी, कोई ना कोई तेरे को देने आ जाएगा। तुम आज अपनी बात डिलीट कर, मैं नहीं करूंगी नंबर डिलीट। अनमोल तुम अपनी बात से मुकर रहे हो यार, अब मैं ना कोई मुकरने वाली ड्रामा मत मचा। अरे अरे तुम आ गए यार, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी। मैं बता क्या, फोन पे कब से फोन पे फोन, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट हूँ मैं, तो बताती ना मैं कुछ। मैं कैसे बताती फोन पे, उस टाइम मैं घर पे थी, मम्मी पापा थे वहाँ पे, तो बताना चाहिए था ना। मैं मतलब कुछ लेके आता उस हिसाब से कि घर से कॉल भी आ रहे हैं मेरे, अभी निकल के आई हूँ थोड़ी देर के लिए कि मैं अभी आ रही हूँ दोस्त से मिलके। चल कोई बात नहीं, मैं ना करता हूँ कुछ, मैं तेरे को ना दवाई भिजवा दूंगा किसी फ्रेंड के हाथ में, ठीक है? दवाई मुझे नहीं पता, दवाई की नॉलेज नहीं है मुझे। अरे मैं भिजवा दूंगा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, हम दोनों ना घर पे बता देते हैं। अरे वो पागल वागल है क्या, घर पे क्यों बताना है? अरे तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे डर लग रहा है इन सब चीज से। तुम मेरे साथ नहीं होगे तो मैं क्या करूंगी, दवाई दवाई खाने से कुछ और हो गया मेरे को, तो मैं क्या करूंगी? नहीं घर पे क्यों बताना है फिर, घर पे बताने से क्या हो जाएगा? घर पे पता लग गया तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी, और मेरे को ऐसा करते हैं हम बता, हमारी देखो शादी करने की तो हो जाएगी, शादी वादी की बात नहीं, कोई शादी वादी की बात नहीं है हमारे बीच, ठीक है? हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है? आजकल लड़के लड़कों के बीच में हो जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में सब, ठीक है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और डरने की कोई जरूरत नहीं आजकल मॉडर्न है सब। तो शादी के लिए बात की हुई थी ना कि हम करेंगे बाद में, तो हमें बताने में क्या दिक्कत है घर पे? भाई बातें तो बहुतों से होती है, तूने पहले कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया क्या? उनको नहीं, उनसे नहीं बात हुई शादी? यार ये कोई तुम मेरे उस, मतलब तू इतना सब सोच के बैठी है कि उंगली उठा रहे हो गलत तुम ना ये चीज को लेकर। मैं कह रहा हूं मैंने भी तो गर्लफ्रेंड बनाई है, शादी के बाद उनसे भी होती है, थोड़ी हो ही जाती है यार। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम शादी करेंगे, तो फिर तुमने ये नहीं करना चाहिए था ना। मैं दवाई दे देता हूं, उसके बाद मुझसे कभी मिलना मत। दवाई नहीं चाहिए मुझे, नहीं पता, मेरे को घर पे बताओ अपने, मैं बात करूंगी आगे। भाई मेरे घर वाले ना काट देंगे मेरे को, तो मेरे घर वाले मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या बताऊं जाके उनको? मैं घर वालों की मर्जी से शादी करूंगा पहली बात, और दूसरी बात तुझे दवाई मिल जाएगी, कोई ना कोई तेरे को देने आ जाएगा। तुम आज अपनी बात से डिलीट कर, मेरे से बात मत करियो, मैं नहीं करूंगी नंबर डिलीट। अनमोल तुम अपनी बात से मुकर रहे हो यार, अब मैं ना कोई मुकरने वाली, ड्रामा मत कर रोड पे, चुप हो जा, ड्रामा मत मचा। मैं दवाई ला यार, मैं मर जाऊंगी, को क्या दिक्कत हो रही है? तू पढ़ी लिखी गवार है क्या, पढ़ी लिखी नहीं है क्या? कुछ नहीं भाई, हमारी बात है सुनो, तू पढ़ी लिखी है ना? मैं दवाई यार पढ़ी लिखी हूँ तो मैं क्या करूँ इसका? घर पे बताओ, मुझे नहीं पता। तुमने मेरे को शादी के लिए प्रॉमिस किया था, तुम ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़ के, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, सीधी सी बात है। अगर तू घर पे बता भी देगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके बाद भी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं करनी भाई। तुमने बोला था मुझे यार, मैं किसी और लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मेरी बात भी चल रही है। है क्या तेरे पास, उसके पास पता कितनी प्रॉपर्टी है? मैं शादी करना, तू तेरे से शादी कर लूँ, क्यों बताऊँ घर पे भाई? नहीं बताना, नहीं करनी शादी भाई। दो मिनट सुन, करने से पहले बोला, सोचा था तूने? अरे भाई तू कम ऑफिस जा अपना, बैग लेके घूम साइड। ये क्या, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मेरे को उससे बात करने दे, समझ ही नहीं रहा यार, यार हमारी बात है, मेरे को हमारी बात है, फिर भी क्या सब सुन रहा हूँ मैं यहाँ पे। जा अपना काम कर, मैं तेरे को दवाई, अनमोल मेरे को नहीं पता, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मेरे से शादी करोगे, अब प्रेग्नेंट हूँ मैं, कहाँ से किसको जाके बोलूंगी? दवाई खाने से मेरे को कुछ मेरी हुआ, तुम्हें कोई लेना देना नहीं मेरी है। मेरी शादी की बात कहीं और चल रही है, कुछ लेना करने से पहले शादी की बात चल रही है क्या? सुन नहीं, हाथ छोड़ और जा अपने काम से काम करो भाई, हमारा पर्सनल मैटर है भाई। पर्सनल मैटर में ये होता है कि तू किसी और से शादी करे तो इसके साथ क्या यार, अगर मैंने बोल दिया कि शादी करूंगा इसका मतलब थोड़ी वो पत्थर की लकीर हो गई। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है यार, कॉमन है आजकल। जब शादी तुझे कहीं और करनी तो करने से पहले सोचता ना, तो उसी के साथ करता। अरे मेरे भाई तू क्यों ज्यादा भाई सरपंच बन रहा है यहाँ पे, तू अपना काम करना जाके। हम बात कर लेंगे, आप जाओ यहाँ से। जब तुझे नहीं करनी थी ना, एक मिनट बाद
जब तुझे नहीं करनी थी तो अगली बंदी का तो ये तो मत कर, वो बेचारी रो रही है, उसकी तूने जिंदगी बर्बाद कर दी। यार ऐसा तो नहीं, ऐसे किसी और के साथ जिसका कुछ नहीं होगा, इतनी शरीफ तमीज में हो। हाथ मत लगा, सुन हाथ मत लगा, तेरी बहन के साथ कोई ऐसे करे तो उसके उसका क्या मतलब, बंदे लोग बुला रखे, बंदे बुला रखे क्या तुमने यहां पे, किसी के साथ गलत काम करके यूं कहेगा कि मतलब किसी और के साथ कर रखा है। आप मत बोलो, आप लड़के की रिस्पेक्ट करने आते तुझे, हाथ मत लगा तमीज से, लड़के की रिस्पेक्ट करने आते हो, किसी और के साथ दवाई तमीजी कर रहा है। देखो आप दवाई आ जाएगी तेरे पास, अरे आपके ऊपर लेगेशन लगा रहा, आप सुन रहे हो, दवाई आ जाएगी। आप रहने दो, आप मत बोलो प्लीज, मेरा अपना पर्सनल मैटर मैं खुद कर लूंगी, चलो ना तुम घर पे बात कर लो ना, मैं प्रेग्नेंट मैं क्यों बात करूँ, क्या पता किसका बच्चा है, मेरा बच्चा है या नहीं है, मैं क्यों बात। अब तू उसके कैरेक्टर पे आवाज कर, अरे भाई तो मेरे को क्या पता किसका तू उसके बच्चा है? गलत रिएक्शन लगाएगा, क्या बदतमीजी है। अबे भाई ये तो बहुत, भाई तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है। भाई सुन, तू किसी लड़की की जिंदगी खराब कर रहा है, फिर तू अगली से यूं कह रहा है कि कहता मतलब मैं तुझे दवाई लाके दे दूंगा, उसके कैरेक्टर पे बात हो रहा है, किसका बच्चा। एक बात बता, सेक्स करने से जिंदगी खराब हो गई क्या, तूने नहीं कहा गर्लफ्रेंड के साथ, आजकल कॉमन है ब्रो, मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न मॉडर्न एक रैपर पे सारा मॉडर्न निकाल दूंगा तेरा। हम बात कर लेंगे, ब्लेंड कर दे जाके। हैं भाई नहीं करा क्या गर्लफ्रेंड, करवाऊं तेरे को और बोल ला बेशर्मों की तरह, नहीं करा क्या गर्लफ्रेंड के साथ, मतलब लौंडे की जिंदगी खराब करेगा तू, अगली की तो जिंदगी खराब कर रहा है, शादी करने से मना कर रहा है, और फिर बदतमीजों की तरह बोल रहा दवाई लाके तू, किसी और का बच्चा है। भाई यार तू तो चूतिया होती है, तू एक रैपट पड़ेगा ना वहाँ जाके लेटेगा तू, तो इतना दिल पे ले गया पता नहीं भाई। अच्छा काम कर सुन, कोई नहीं हम बात कर लेंगे, आप रहने दो प्लीज, आप जाओ, कोई नहीं कोई नहीं, आप रहने दो रहने दो रहने दो, नहीं कोई बात नहीं, काम करता हूँ ना मैं। आप ऐसे इंसान के साथ रह गए, सिर्फ थप्पड़ मारो या अपनी कैरेक्टर की उंगली उठा रहा है। मैं अभी बुला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अभी कंप्लेंट, दवाई आ रही है, उसके बाद दवाई, दो मिनट कंप्लेंट करो, दवाई भिजवा दूंगा, कंप्लेंट करो, आप रहने दो, कोई आप कंप्लेंट करो, इसकी दवाई भी हम दे, ओए सुनो इधर, क्या दवाई, अरे सुनो सुनो बात सुनो मेरी, आप रुको आप रुको, सुनो सुनो एक मेरी बात सुनो, मेरी बात, इसकी साइड ले रहे हो, मेरी बात सुनो, आप साइड क्यों ले रहे हो इसकी, मैं इसलिए साइड ले रही हूं क्योंकि ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है, मतलब गलत कर रहा है, नहीं नहीं मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, एक कुछ डवाने को डोलो यार, छोड़ एक्सपेरिमेंट है, उधर वो देखो कैमरा भी है, प्रैंक वो देख के थे सोशल एक्सपेरिमेंट की, जब लोगों के बीच में वीडियो हो रही, देखो कैमरा हो रहा, और बहुत अच्छा भाई ने स्टैंड लिया, आपने भी अच्छा बोला कि आजकल लड़कियों के साथ ये सब बहुत होता है। हाँ होता है, कभी लड़कियों के साथ होता है, और वीडियो बनाने का मेन मोटिव हमारा यही था, ये कर रहे बिल्कुल बिल्कुल, इतनी देर में बजा दिया जाता है, बिल्कुल यही देखना था कि लोग कितने जागरूक है आसपास, एंड आपने हाँ कि लड़की के लिए स्टैंड लेते हैं क्या होता है इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।